इंदौर में यातायात की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आए दिन चौराहों पर जाम लगा रहता है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर इंदौर की सांसद तथा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की गई थी और उसके बाद महाजन द्वारा यह विकल्प दिया गया कि इंदौर में रोपवे की भी शुरुआत की जा सकती है। इस पर नितिन गडकरी द्वारा रोपवे लगाने वाली कंपनी से बातचीत की गई और एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट का AICTSL के दफ्तर में सुमित्रा महाजन की उपस्थिति में रविवार को प्रेजेंटेशन दिया गया। कुल मिलाकर रोपवे भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है यातायात की समस्या को हल करने का। और इसमें यह बताया गया कि 23 किलोमीटर के रूट 5 रूट रहेंगे, जहां हर घंटे 60 से लेकर 80,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। कुल मिलाकर रोपवे का संचालन से इंदौर में एक विकास की नई कड़ी जुड़ जाएगी। और यह भी कहा जाता है कि इस बैठक में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया, लेकिन यह तय किया गया कि अगर रोपवे लगाया जाता है तो इससे इंदौर की यातायात समस्या किसी हद तक हल हो जाएगी। इसकी लागत भी बहुत कम आती है और एक ही रूट पर 12,000 यात्री प्रतिदिन आ जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में रोपवे की शुरुआत एक नए अध्याय की रूप में होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।